जब मैं मात्र 16 वर्ष की थी तो सूरतगढ़ आकाशवाणी मेरा प्रोग्राम सबसे पहली बार प्रसारित हुआ। हमारा खानदान में कोई ऐसी कवित्री को नहीं हुई है, समाज में नेता जी हैं, उनकी सच्चाई को मैंने वास्तविकता के साथ उनको प्रस्तुत किया है। अमीर हो या गरीब, बाप बाप होता है, हमारी हर चीज का फिक्रमंद होता है। अर्थी को कांधा दे करके बेटे का धर्म निभाती है, चिता के सम्मुख सीना ताने फिर वंदे मातरम गाती है और वंदे मातरम गाती है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी फ्लिकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मेरा नाम दीप और सब देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। आज अपने साथ में पिंकी सैनी जी है और ऐसे की है लेखिका है कि अभी एक बुक भी है जो कि पब्लिश हुई है और बहुत सारी किताबों के अंदर अपनी कविता है जो कि पहले भी लिख चुके हैं। तो आज आपका सफर के बारे में बात कर बड़ा हाँ क्यान ए एक लेखिका बना एक बारे में जान सा। बहुत बहुत स्वागत है झलको हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ की बेटी हो आप। धन्यवाद। थोड़ा सा बताओ हनुमानगढ़ में कौन सी जगह हुआ। हनुमानगढ़ में मैं हूँ जी, रेलवे स्टेशन है, NMPG कॉलेज है, बैठा हमारा घर है, एकदम NMPG कॉलेज के साथ में हमारा घर है। हनुमानगढ़ टाउन की मैं वासी हूँ, हनुमानगढ़ जंक्शन अलग है, टाउन अलग है। छोटी सी उम्र यानी 16 साल की उम्र का मायने आकाशवाणी के मायने चला गया और बी टाइम पर 92 की बात है 1992 की, उस टाइम बी टाइम पर तो बहुत ज्यादा क्रेज भी हुआ करते कई यानी घटना हुई कि 92 में आकाशवाणी पर कविता पाठ करवा चलाएगा। एक्चुअली क्यों हो कि मैंने कविता तो मैं दिमाग में मतलब यही इससे शब्द आता रहता है कि इन्होंने कहीं अपना एक लाइन में पिरोवा एक माड़ा में पिरोवा। तो फिर मैंने यह लगे कि नहीं नहीं, 10th क्लास में जब मैं किताबों में पढ़ती कि नहीं नहीं कविता इस तरह के कि मेरा शब्द जो है वो कविता के माध्यम से ही बाहर निकल सकते हैं। तो मैं कह रहे हो कि मैं कविता लिखी, एक दिन छोटी सी कविता लिखी, मुक्तक लिखी हो, फिर थोड़े दिन बाद 4 लाइन है कि 8 लाइन है कि 10 लाइन है कि यहाँ थोड़ी कविता लिखती गई। एक बड़ा मैडम ही, मैडम नीना जी, तो बाद में मैं कविता लिख देखो मैम मैं कविताएँ लिखती हूँ। तो मैम ने इतनी खुशी हुई कि 11th क्लास की बच्ची हमारे स्कूल की और देखो इतनी छोटी सी उम्र में कविता पाठ कर रही है। तो फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले सूरतगढ़ आकाशवाणी वहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो फिर मैं पहली बार गई थी 1992 में ही चली गई थी मैं, जब मैं मात्र 16 वर्ष की थी तो सूरतगढ़ आकाशवाणी मेरा प्रोग्राम सबसे पहली बार प्रसारित हुआ। बहुत सारी जगह देखिए कि नहीं पढ़ले पुढ़ले कहीं लिखवा लाग रही है, यानी को देखो ने वो मैडम अति सपोर्ट हो जाएगी वजह से। हाँ, नहीं हमारी मैडम को भी सपोर्ट हो, हमारी प्रिंसिपल मैडम को भी सपोर्ट हो। और एक बार देखो कोई बच्ची अगर कविता लिख रही है तो उनका मम्मी पापा ने भी बहुत खुशी हुआ है कि देखो हमारा खानदान में कोई ऐसी कवित्री को नहीं हुई है तो हमारी बेटी कविता लिख रही है तो अच्छी बात है। तो मेरे मम्मी पापा को भी बहुत सहयोग रही बात। और मैं जब आकाशवाणी भी गई तो बढ़ा जाने के बाद जो कविता पाठ के बदले में जी को मैंने चेक मिला तो उससे मैं और ज्यादा डबल खुशी मिली, तो मैंने और ज्यादा लिखने की प्रेरणा मिली। इनाम भी मिल रहे हैं। हाँ, इनाम भी मिल रहे हैं। तो बिल्कुल डर वर कोनो बड़ा आकाशवाणी जा रहे हो छोटी सी उम्र के मायने। नहीं पहली बार तो यहाँ लगा कि नहीं इतना बड़ा रूम है मैं कहीं बोलूंगी, लेकिन फिर नहीं अच्छी तरीके से मतलब बैठा मैनेजमेंट हो अच्छी तरीके से, मतलब यहाँ भाइयों की ना था ना एक रूम में बैठना है कुछ को नहीं, आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो ठीक है मैं कॉन्फिडेंस हो गई, बोलती रही। पहली बार तो आप कोई भी काम करोगे थोड़ी सी हिचक तो रहेगी, लेकिन उसके बाद मेरी हिचक खुल गई और मैं मतलब जोरदार अंदाज में कविता पाठ करने लगी। उसके बाद मेरे थोड़ी सी विख्यात हुई, गंगानगर से एक न्यूज़पेपर प्रकाशित होता था तो भी कमाई नहीं मेरी कविता छपी। पहले जमाने में क्या होता कि आपका जी रेडियो स्टेशन प्रोग्राम दे वहाँ तो भी के बदले में लोगों ने जी लोग सुनता भी अभी ने और फिर लेटर लिख के कहता कि नहीं पिंकी सनी की कविता हमें अच्छी लगती है, तो उससे ज्यादा और ज्यादा प्रोत्साहन आजकल तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स ये चीज आ गई भी टाइम पर चिट्ठी लिखकर बताता। हाँ, और अखबार में बकायदा नाम आतो भी है ना फलाना शहर को फलाना आदमी हर एक कविता ने लाइक करे, इस तरीके से सिलसिला अगर चलते रहो। फिर बिग बाद के मायने आकाशवाणी के साथ सिलसिला है जो को जारी है अभी तक। हाँ, आकाशवाणी के बाद में आज तक मेरा सिलसिला जारी ही है। आकाशवाणी में सूरतगढ़ में रही हूँ काफी साल और बिग बाद में मेरे हस्बैंड को ट्रांसफर होते रहे डूंगरपुर आकाशवाणी में, उगवा में कोटपुतली आकाशवाणी में मैं आज तक प्रोग्राम देती आ रही हूँ। युवावाणी कार्यक्रम है तो उकम आए ना मेरे सूरतगढ़ में प्रोग्राम आते हो, एक बार डूंगरपुर में आते हो, कोटपुतली डायरी है तो विकम आए ना मेरे प्रोग्राम आज तक। तो अभी बहुत सारा प्रोग्राम दिया हो, आज
झलको का मंच भी ताके लिए खुल जोड़ो है, तो कोई भी आज आप सुनावो चाहो कोई कविता। कविता तो देखो ऐसे मैंने बहुत लिखी है, मैंने हर कविता मेरे लिए तो अच्छी है, लेकिन मेरी जो एक दो फेवरेट कविता है वो मैं थाना आज सुनाऊंगी। एक कविता लिखी मैं पिताजी के ऊपर, वो मैं पिताजी के ऊपर मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी। जरूर। कि आंगन के बीच लोह स्तंभ होता है, आंगन के बीच लोह स्तंभ होता है, उन्हीं से जीवन का प्रारंभ होता है। आंगन के बीच लोह स्तंभ होता है, उन्हीं से जीवन का प्रारंभ होता है। अमीर हो या गरीब बाप बाप होता है, अमीर हो या गरीब बाप बाप होता है, हमारी हर चीज़ का फिक्रमंद होता है। नेक्स्ट है, पिताजी से ही एक परिवार बनता है, पिताजी से ही एक परिवार बनता है, पिता के आगमन से ही दिन ढलता है, हम चैन की नींद सो लेते हैं, पिता जब हमारा पहरेदार बनता है। नेक्स्ट है, बाहरी खाना कभी खाते नहीं देखा, बाहरी खाना कभी खाते नहीं देखा, हमको छोड़कर कहीं जाते नहीं देखा, बाहरी खाना कभी खाते नहीं देखा, हमको छोड़कर कहीं जाते नहीं देखा, कैसी भी मजबूरियां रही हो उनकी, खाली हाथ कभी घर आते नहीं देखा। नेक्स्ट है, खिलखिला के कभी हंसते नहीं है, वो एक पिताजी हो कभी खिलखिला के हंसा को नहीं है, ठीक है थोड़ा मुस्कुरा लेगा लेकिन खिलखिला के कभी को नहीं हंस सका, खिलखिला के कभी हंसते नहीं है वो, बिलबिला के कभी रोते नहीं है वो, खिलखिला के कभी हंसते नहीं है वो, बिलबिला के कभी रोते नहीं है वो, सारी रात करवटे बदलते रहते हैं, सारी रात करवटे बदलते रहते हैं, क्यों चैन से कभी सोते नहीं है वो। पिता की मैं कहती हूँ तुलना किसी से नहीं की जा सकती, पिता जो करता है ना वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। कितना टाइम लगे कविता लिखने में? एक कविता मैं लिखने में अगर देखो मैं सोच के लिखती हूँ, जैसे आप मुझे कोई टॉपिक देते हो तो मुझे उसमें कम से कम 3 दिन लग जाते हैं, तो क्योंकि उसमें क्या है कि मात्रा भार देखना पड़ता है, तूकान चीज भी अगर मात्रावार ये होता है, जैसे आपने एक लाइन लिख दी है, पहली लाइन दूसरी लाइन और चौथी लाइन में, पहली लाइन में 26 मात्राएं हैं, दूसरी में 26 मात्राएं हैं, तो चौथी में भी 26 मात्राएं होनी चाहिए। अच्छा। तीसरी में चाहे कितनी मर्जी हो, मुक्तक टाइप हो गया वो, मैं मुक्तक टाइप कविता ही ज्यादा लिखती हूँ, और तुकांत बैठना चाहिए, आन है बान है शान है, जो उसका अंत है वो तुकांत है, वो सही बैठना चाहिए। जब कभी युद्ध की घोषणा होती है, जब उड़ते छर्रे बारूद के पावों में कंपन होता है, जब उड़ते छर्रे बारूद के पावों में कंपन होता है, तुम रात जागते हो चौकस तब पूरा भारत सोता है, तब तुम रात जागते हो चौकस तब पूरा भारत सोता है, एक धमाका सुनते हैं जब शीतलहर की रातों में, एक धमाका सुनते हैं जब शीतलहर की रातों में, तब मेरी माँ का पल्लू भी कुछ भीगा भीगा होता है। अंत में क्या होता है कि जब उस बेटी का जो पिता है वो युद्ध करते वक्त दुश्मनों से लोहा लेते वक्त अपने प्राणों की प्राण उत्सर्ग कर देता है, तब उस बिटिया की क्या भूमिका होती है वो सुनिएगा। बाबुल को देख तिरंगे में, बाबुल को देख तिरंगे में कुछ पल तो आंखें फटती हैं, बाबुल को देख तिरंगे में कुछ पल तो आंखें फटती हैं, फिर चूम के फिर धरती माँ का चूम के माथा निडरता से चलती है, बाबुल को देख तिरंगे में कुछ पल तो आंखें फटती हैं, फिर धरती माँ का चूम के माथा निडरता से चलती हैं, अर्थी को कांधा दे करके बेटे का धर्म निभाती हैं, अर्थी को कांधा दे करके बेटे का धर्म निभाती है, चिता के सम्मुख सीना ताने फिर वंदे मातरम गाती है, और वंदे मातरम गाती है, और वंदे मातरम गाती है। तो क्या बढ़िया बढ़िया शब्द है जगह था कि मतलब सुधरे है हिंदी का, एक पीछे का कारण है, और जो उच्चारण भी था वो बड़ो गजब को है। ये तो देखो उच्चारण, जैसे आप कविता पाठ करते हो हिंदी साहित्य में आपकी रुचि है तो ऑटोमेटिकली आप में अपने आप को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मनो शब्द सही बोलना है, सहने सही बोलना है, सहने शय को नहीं बोलना है, तो अपना अपने तो अंतर आत्मा ही कि नहीं नहीं ये गलत है ये सही है। और मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ, हिंदी सब्जेक्ट हूँ मेरे, तो जब से मुझे ये कविता लेखन के प्रति रुचि पैदा हुई है तब से मुझे हिंदी के प्रति लगाव हो गया। ज़्यादा मैं हिंदी की विद्वान नहीं हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी ज्ञाता हूँ हिंदी की, क्योंकि कविता लेखन के क्षेत्र में मेरा रुचि है, इसलिए वो अपने आप ही नेचुरली मतलब जोश आ जाता है। वीर रस की कविता लिखती हूँ तो अपने आप ही जोश आ ही जाता है। आप किसी की किताब आई है बिगे बारे में थोड़ा सा बताओ जी, आप का ही नाम है किताब को की बारे में मायने कविता है भैया? तो देखो 3-4 कविता आ चुकी, बुक आ चुकी है, लेकिन मेरी जो सोलो बुक है वो मेरी पहली सोलो बुक आई है जिनका नाम है प्रारंभ। प्रारंभ में ये वास्ते नाम रखे है क्योंकि वो मेरे जीवन की शायद शुरुआत है, शुरुआत तो काफ़ी पहले ही हो चुकी है, लेकिन बुक लेखन में मेरी आप
सोलो बुक मेरी है जिसमें मेरी ही कविताएं हैं, लगभग 60 के लगभग कविताएं हैं, मेरी सोलो बुक है, मेरे नाम से है और वो अमेजोन पे है, उपलब्ध है। बिंग मायने ये है कि थाना हर रस की कविता मिलेगी मुझे, एक हास्य रस की कविता नहीं लिखनी आती है, बाकी श्रृंगार रस की कविता है, वीर रस की कविता है, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगी। और गाँव जो है, गाँवों की प्रकृति चित्रण आपको बहुत खूबसूरती से मैंने उसमें उकेरा है, तो आपको उसमें हर तरह की कविता लिखेंगे। समाज में नेता जी हैं उनके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, उनकी सच्चाई को मैंने वास्तविकता के साथ उनको प्रस्तुत किया है, तो आपको उसमें हर तरीके की कविताएं पढ़ने को मिलेगी। राइटिंग का क्षेत्र में आपको करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ के लिए कुछ मैसेज आपको? हाँ, मैं माना यही कहूँगी कि देखो, अगर हो सकता है आज मेरा इंटरव्यू देख के आपको भी लगे कि नहीं मैं, मुझे भी लिखना चाहिए, तो आप शुरू शुरू में एक लाइन लिखो, चाहे आपको टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लिखनी आती है, आप उस तरीके से लिखो, आप शुरुआत करो, आप एक कविता लिखो। मैं जी के मेरी कविता लिखती है, मेरे क्या कि मैं मेरी मदर ने सुनाती ही, क्योंकि कविता जो इसो फील्ड है कि आप किन सुनावा तो शायद किन पसंद को नहीं के कवि बनो फिर है वो यही बोलोगा अपने, तो मैं मेरी हर कविता मेरी मम्मी को सुनाती थी, तो मेरी मम्मी तो बहुत इतने चाव से सुनती थी, बहुत ज़्यादा चाव से सुनती थी, तो मैं सबको यही कहूँगी कि आप शुरुआत करो, आप ऐसे मत देखो कि नहीं नहीं आज मैं कवि नहीं बन रहा हूँ, मैं कवित्री नहीं बन रही हूँ, मेरे को तो लिखना ही नहीं आता है, मैं तो हिंदी तो थी नहीं मेरे पास, हिंदी साहित्य तो था नहीं हमारे समाज में, ऐसे भी बहुत से कवि और कवियत्री हुए जिन जो इंग्लिश लिटरेचर के थे लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, तो आप एक लाइन लिखिए, दो लाइन लिखिए, फिर आप जैसे छोटी छोटे लिखिए, प्रयास कीजिए, और प्रयास कभी असफल नहीं होता है। तो आपने साथ में आज पिंकी सैनी जी हाँ आप बस बातचीत करी, किताब के बारे में बातचीत करी, वीडियो तक ज्ञान को लगे कमेंट सेक्शन का मैंने लिखकर थाना जरूर बताना है, साथ ही यहाँ का और वीडियो देख पा खातर आपने जो को चैनल है झलको हनुमानगढ़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लीजिए। मैं हूँ था दोस्त दीप, जय हिंद जय राजस्थान।